चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है? चलो चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इलस्ट्रेशन नंबर फिर 4 कर लेते हैं मिलके। देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर रिकॉर्डेड। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिफरेंसेस। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या है? डिफरेंसेस मतलब जब हमने कंपेयर करा कैश बुक को और बैंक की पासबुक को, जब हमने कंपेयर करा, किस दिन कंपेयर कर रहे थे? देखो डेट के ऊपर फोकस करा करो हमेशा। किस दिन कंपेयर कर रहे थे हम कैश बुक को पासबुक के साथ? 31 मार्च 2022। तो कुछ कुछ हमें डिफरेंसेस दिखे, कुछ कुछ हमें क्या दिखे? डिफरेंसेस। देखो पहला क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाई चेक सेंट टू द बैंक ऑन 25 मार्च, आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाई चेक इन टू द बैंक ऑन 35 मार्च, चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। सबसे पहले तो सर इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही। मेन चैलेंज क्या है? इंग्लिश समझने का। क्या बोला गया है प्राची, क्या समझे थे आप इसके अंदर, कैसे करा था? 15,000। हाँ मैंने, हाँ आगे पीछे होगा, हाँ मतलब 15,000 के पैसे आए मेरे पास, बाकी के पैसे मेरे पास नहीं आए। देखो आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाय चेक, आउट ऑफ 35,000 पेड इन बाय चेक इनटू द बैंक, बैंक में मैंने कितने के चेक डाले बोलो? 35,000 के चेक डाले है ना, उसमें से मेरे पास 5 अप्रैल तक चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल, तो बाकी के बचे हुए 20,000 कब क्रेडिट हो गए? चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। 35,000 के चेक डाले बैंक के अंदर, 35,000 के, उसमें से 15,000 के चेक्स कब आए? 5 अप्रैल के अंदर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, बाकी के बचे हुए 20,000 हमारे पास आ गए होंगे, बाकी के बचे हुए 20,000 पैसे हमारे पास आ गए होंगे। मेन दिक्कत किस चीज की है ना, 20,000 की कि 15,000 की? मेन दिक्कत है 15,000 की, जो पैसे 31 मार्च तक हमारे अकाउंट में नहीं आए, जिसके वजह से हमारा कैशबुक और पासबुक मैच नहीं कर रहा। तो अब देखो सिचुएशन क्या है, राइट हैंड हमारा कैशबुक है, लेफ्ट हैंड हमारा पासबुक है ना। देखो अगर हम बोले तो हमने कैशबुक के अंदर क्या कर दिया होगा, बैंक को बढ़ा दिया होगा, पूरा बैंक को इंक्रीज कर दिया होगा, लेकिन 15,000 अभी तक हमारे पास नहीं आए, तो 15,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से फटाफट से, 15,000 को किस में रखना पड़ेगा? आपको माइनस में रखना पड़ेगा, चेक डिपॉजिट। हाँ हाँ जूम बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा ना, और जूम बुक है तो नहीं आपके पास? उसके पास होगी ना, कहाँ है बुक रक्षिता? आउट ऑफ द चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 15,1600 ऑन 28 मार्च, अ चेक फॉर 5,000 वॉज प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। आउट ऑफ द चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है चेक बनाया, कितने का? 15,600 का। तो किस दिन बनाया? 28 मार्च। उसमें से एक चेक था 5,000 का, वॉज प्रेजेंटेड फॉर 3 अप्रैल, मतलब मैंने एक चेक बना के दिया, मान लो मैंने आप लोगों को चेक दिया कितने का? 15,600 का एक चेक बना के दिया, किस दिन? 28 मार्च। ध्यान से देखना, हम ये जो रिकंसिलेशन बना रहे हैं किस दिन की बना रहे हैं? 31 मार्च की रिकंसिलेशन बना रहे हैं। उसमें से एक चेक जो था, मतलब 15,600 में से एक चेक था 5,000 का, वो किस दिन बैंक अकाउंट में गया? 3 अप्रैल को। मतलब क्या मेरे बैंक से अभी 5,000 रुपये कटे कि नहीं कटे? अभी तो नहीं कटे ना, अभी नहीं कटे। तो अगर मैं कैशबुक की बात करूँ, तो कैशबुक के अंदर तो मैंने बैंक के कॉलम को कम कर दिया होगा, बैंक के कॉलम को कैशबुक के, मतलब कैशबुक के अंदर बैंक के कॉलम को मैंने कम कर दिया होगा 15,600 से, लेकिन बच्चों अभी तक 5,000 का एक चेक था वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं लगा, तो हमें इस कैशबुक को क्या लेकर जाना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा है ना, ऊपर करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपीज मुझे किसमें डालना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। प्राची कर लिया था ये सब? इतना मुश्किल कैसे समझा था? है समझ आ रहा है क्या बात कर रहे हो? ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है हमने चेक बनाया, हमने चेक बनाया तो सामने वाले को दे रहा हूं, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये थे वो किस दिन कटे? 3 अप्रैल को। लेकिन तुम देखो आप सीएफ उसका कब का बना रहे हो ना, 31 मार्च, तो अभी 5,000 आपके अकाउंट से नहीं कटे ना, तो उसको दोबारा से आपने क्या कर दिया? 5,000 को ऐड कर दिया। आगे देखो ध्यान से, अ चेक फॉर 2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? वही फिर क्वेश्चन कैसे कर लिया? अ चेक फॉर 2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश
कैश बुक के अंदर हमने चेक रिकॉर्ड करा 2000 रुपीज का, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st of March. मतलब कैश बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड कर दिया किसको, चेक को, लेकिन हमने किसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, बैंक वाले उसको रिकॉर्ड करना क्या कर गया, भूल गए. ओमिटेड का मतलब क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए, ठीक है. ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप रिकॉर्ड करना भूल गए. तो चेक फॉर 2000 एंटर्ड इन कैश बुक. बच्चों कैश बुक में तो इसकी एंट्री हो रखी है, लेकिन किस में एंट्री नहीं हो रखी, पासबुक के अंदर एंट्री नहीं हो रखी. अब ये चेक आया है कि चेक गया है, कौन सा माना जाएगा, चेक. अ चेक फॉर 2000 एंटर्ड इन द कैश बुक, तो क्या बोल रहे हो, कैश बुक हमारी भरी हुई है, क्योंकि वो किस में रिकॉर्ड कर रखा है, हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रखा है. और अब हमें उसको क्या करना है, पासबुक के पास लाना है, तो माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस करा हमने 2000 रुपीज, ठीक है. अ चेक फॉर 2000 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st of March. तो कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक आपकी क्या है, इंक्रीज्ड है. ओके, नाउ यहां तक कर लिया था, यहां तक हो गया था. अ चेक फॉर 1200 डिपॉजिटेड, कैसे, तो कैसे, ऐसे ही समझ समझ के हैंड मूवमेंट्स अभी तुम लोगों को दूंगा करने को. अ चेक फॉर 1200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक चेक को, एक चेक कितने का था, 1200 रुपीज का, उसको बैंक में डिपॉजिटेड करवाया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड वॉज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन. अब देखो कहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए, कैश बुक के अंदर. किसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है, वो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. तो बैंक में चेक डलवाया तो आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे आ जाएंगे, तो पासबुक वाला हाथ तो ऊपर है, और कैशबुक वाला हाथ किसके पास जाएगा, पासबुक के पास जाएगा, तो हमको उसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है. बैंक की पासबुक में रिकॉर्डेड है, लेकिन कैशबुक में अब रिकॉर्ड करना भूल गए. तो पासबुक तो ऊपर है ना, पासबुक के अंदर जो बैंक बैलेंस है वो ऊपर है, कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो कैशबुक पासबुक के पास जाएगी, तो क्या करोगे, ऐड करोगे. तो ऐड कर दिया आपने कितना, 1200 रुपीज आप किस में डालोगे, ऐड के अंदर, ठीक है, ऐड करोगे. आगे कोई डाउट है तो बताओ, 4 पॉइंट मैंने करे, देख लो ध्यान से. हाँ बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर अप हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर. नो सर, ओके, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 1040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर डिस्काउंट रुपीज 40 विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 3rd of April. मतलब एक हमारे पास क्या था, ये मान लो चेक था, चेक था हमारे पास कितने रुपीज का, बिल्स रिसीवेबल को एक बार को मान लो आपके पास क्या था, एक चेक था, ठीक है. ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये डिस्काउंटेड क्या होता है, ये हम सीखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक के अंदर. आगे आपके पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ बोलना क्या चाहता है. हाँ क्या बता रखा है, डेटर से आता है, किसी बंदे से आना होता है. देखो क्या होता है, मेरे शॉप के ऊपर एक पर्सन आया, जैसे मान लो मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल आया, उसने क्या करी, शॉपिंग करी रुपीज 1 लाख रुपीज की, लेकिन उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, ठीक है. उसने पैसे नहीं दिए, वो मेरे को एक लेटर पे जो है ना स्टेटमेंट लिख के गया कि मैं आपको सर पैसे दे दूंगा विद इन 2 मंथ्स रुपीज 1 लाख. तो ऐसा, और नीचे किसके साइन थे, राहुल के साइन थे. तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से हमने बिल्स रिसीवेबल कि उसने एक लिख के हमको दे रखा है कि वो हमें 2 महीने के बाद क्या दे देगा, 1 लाख रुपीज दे देगा. अब देखो मेरे को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई 2 लाख रुपीज की, मैं ये बिल किसके पास लेकर गया, बैंक के पास लेकर गया, ठीक है. और बैंक से मैंने पैसे ले लिए, बैंक से मैंने पैसे ले लिए, बैंक को बोला देख राहुल तेरे को पैसे दे देगा, बैंक राहुल तेरे को पैसे दे देगा, तू अभी मेरे को पैसे दे दे. तो बैंक बदले में आपके कुछ चार्जेस काटेगा ना, पूरे थोड़ी ना दे देगा बैंक 1 लाख रुपए. तो बैंक की क्या कमाई हुई, मतलब 1 लाख रुपए बैंक अगर आपको दे देगा और बैंक के पास राहुल से पैसे आएंगे 1 लाख रुपीज, बैंक का क्या फायदा. तो बैंक कुछ पैसे काट के देता है. तो लेट सपोज बैंक ने आपको 95,000 दिए, 5,000 रुपए काट दिए. अब इस केस की अगर हम बात करें तो आपके पास BR कितने का था, 1040 का, आपने उसको डिस्काउंट करवाया कितने का, 40 का. तो बैंक ने आपको कितने पैसे दिए होंगे, 1000 रुपीज, ठीक है. तो आपने डिस्काउंट करवा दिया बैंक के साथ. तो इस चीज को अभी हम आगे वाले टॉपिक में जो है ना डिटेल में समझेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर. थोड़ा सा ये बात समझो कि आपके पास एक रिटर्न स्टेटमेंट थी जिसके अंदर उसने प्रॉमिस कर रखा था कि यस मैं आपको पैसे दूंगा, एंड फिर सामने वाले ने क्या करा, वो क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, राहुल ने पैसे दिए ही नहीं बैंक को. तो बैंक किसके पीछे भागेगा, राहुल के पीछे के मेरे पीछे, मेरे पीछे भागेगा ना, राहुल के पीछे क्यों भागेगा.
पैसे के कौन लेकर आया बैंक से? मैंने उसको बिल दिया ना, मैंने कहा देख राहुल जो है तेरे को पैसे दे देगा बैंक, तो बैंक ने मेरे को पैसे दिए, बैंक राहुल को कहाँ जानता है, तो बैंक मेरे पीछे और मैं राहुल के पीछे, है ना, टू मच फन। चलो तो हम सारे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तो अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 1,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, मतलब जो पैसे आने थे वो पैसे नहीं आए किस दिन तक भी, 3rd of April। तो मतलब हमने इसके अंदर क्या सोच रखा था, प्राची कैसे करा इसको, क्या सोच के करा इस क्वेश्चन को, हैंड मूवमेंट से बताओ, पासबुक वाला हाथ और कैशबुक वाला हाथ। हमें कैशबुक भराना पड़ेगा। देखो ना हमने सोचा कि हमारे पास तो पैसे आ जाएंगे, हमने बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर रखा, तो बैंक अकाउंट ऊपर है पासबुक, तो कैशबुक का हाथ ऊपर जाएगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा ऐड, हमको इसको क्या करना पड़ेगा ऐड, कितना ऐड करना पड़ेगा, हाँ मैडम आपने ऐड बोला लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, फिर कैसे करा? नहीं मैं पूछ तो रहा हूँ, ये तो लेस है, बेटा बैंक के पास पैसे आए नहीं आए, कैशबुक में तो आपने इसको रिकॉर्ड करा होगा ना, आपने इसको किस में रिकॉर्ड करा होगा सबसे पहले, कैशबुक के अंदर, कि ये पैसा आ जाएगा, ध्यान से समझो, बैंक में तो पैसे पहुंचा ही नहीं ना, पासबुक के हाथ को कैसे ऊपर उठा दोगे, जो बिल जो था, जो बिल से रिसीवेबल आप जो लेके जो पहुंचे थे बैंक के पास, तो कभी पैसा ही नहीं आया, तो बैंक का पासबुक का हाथ ऊपर क्यों जाएगा, आप तो कैशबुक में अंदर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे कि पैसे आ जाएंगे, और फिर बाद में पैसे नहीं आए, पासबुक तो यहीं पर है, तो कैशबुक को नीचे आना पड़ेगा, तो आप उसको नीचे कर दोगे, कहाँ गए, डिसऑनर्ड हो गया बेटा, डिसऑनर्ड नहीं हो गया, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, जो बिल से रिसीवेबल जिससे पैसे आने थे बाउंस हो गया, फेल हो गया चेक, पैसे आए ही नहीं बैंक के अंदर, तो आप पासबुक वाले हाथ को क्यों उठाओगे, जब आपके पास ये बीआर जब आया तो आपने अपनी कैशबुक को इंक्रीज कर दिया होगा, लेकिन बैंक में तो पैसे आए नहीं, तो कैशबुक को दोबारा से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, ध्यान से, अ बिल फॉर 20,000 वॉज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर अ रिपीट फॉर 300, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक, अ बिल फॉर 20,000 वॉज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक, मतलब एक बिल था कितने का, 20,000 का, वो बिल किसने पे कर दिया था, पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ रुपीज 300, अंडर अ रिबेट ऑफ रुपीज 300 मतलब बैंक ने कम पेमेंट करी उसकी, बैंक को कुछ डिस्काउंट मिल गया, कितने का, 300 का डिस्काउंट मिल गया ना, रिबेट क्या था, हमने चैप्टर जर्नल में पढ़ा था ना, डिस्काउंट होता था एक, ट्रेड डिस्काउंट होता था, कैश डिस्काउंट होता था, एक रिबेट होता था, ठीक है, तो बैंक को कुछ रिबेट मिल गई 300 की, तो बैंक ने कितनी पेमेंट करी होगी, 19,700, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, लेकिन आपने बिल का पूरा पूरा अमाउंट को क्या कर रखा था, कैशबुक के अंदर आपने कितना डाल रखा था, ये बिल 20,000, और क्या कर रखा था बैंक कॉलम के अंदर, क्रेडिट कर रखा था भाई, खर्चा था, तो कैशबुक के अंदर जो बैंक कॉलम था उसके अंदर आपने बैंक को क्या कर रखा था, क्रेडिट, नहीं समझे, मुश्किल है, देखो ना एक 20,000 रुपए का बिल था, है क्या होगा मायने, अभी तो वो बात की बात है ना, पहले क्वेश्चन तो समझ में आए, क्वेश्चन समझे, आ रहा। हाँ है क्वेश्चन समझाओ पहले, हाँ रक्षिता क्वेश्चन, हाँ एक तो आप दिख नहीं रहे, यहाँ पर बैठो ना, पीछे प्राची के पीछे बैठ गई हो, आपका फेस नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो लगाओ ना बोरी ना सीट, चारों जने आगे बैठ जाओ, चलो क्या बोला था, देखो एक बिल था कितने का, बिल था, ध्यान से समझते जाना, दोबारा बता रहा हूँ, नहीं, कोई बात नहीं, अ बिल फॉर 20,000 वॉज पेड बाय द बैंक, आपका एक बिल था खर्चे का 20,000 रुपए का, जो किसने पे करा, बैंक ने पे करा, अंडर अ रिबेट ऑफ 300, बैंक को कितना डिस्काउंट मिल गया, 300 का डिस्काउंट मिला, तो बैंक ने कितना बिल पे करा, 19,700, सीधी सी बात है, बैंक ने कहाँ से पैसे काटे होंगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटे होंगे, बट द अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, आप घर में क्या बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, कैश बुक के अंदर डबल कॉलम होता है, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, तो बैंक के कॉलम के अंदर आपने क्रेडिट करा, बैंक के कॉलम के अंदर आपने क्या करा, क्रेडिट करा, खर्चा था, तो बैंक के कॉलम में क्या जाएगा, क्रेडिट जाएगा, बैंक को कम करोगे, कितने से कम कराया आपने, 20,000 से कम कराए,
लेकिन एक्चुअल में देखो आपके बैंक से कितने पैसे कटे, 19,700। मतलब घर में आपने रिकॉर्ड करा कि मेरे बैंक से कितने पैसे कट गए, 20,000 रुपए कट गए, लेकिन एक्चुअल में कितने कटे हैं, 19,700 रुपीज कटे हैं। तो कैशबुक में आपने ज्यादा पैसे काट रखे हैं, तो कैशबुक वाला हाथ आपका ज्यादा नीचे है, तो आप इसको क्या कर दोगे, बाकी के दिन से प्लस कर दोगे ना, कैशबुक वाला हाथ नीचे है ना, पासबुक वाला सेम रहेगा, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे, बोलो जी बोलो। हाँ जी, तो 300 रुपए को आप ऐड कर। हाँ बोल, ज्यादा पढ़ रखा है आपने है? बेटा बेटा बेटा, आप घर पे कैशबुक बना रहे थे, कैशबुक के अंदर बैंक का कॉलम था ना, आपने घर के अंदर कैशबुक के कॉलम के अंदर बैंक में कितने पैसे माइनस में दिखा रखे हैं, 20,000। तो आपने अपनी कैशबुक को कितने से कम कर रखा है, 20,000 से, है ना, क्योंकि बैंक का खर्चा था, ठीक है, और आपको उसको क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन कितनी अमाउंट से, ध्यान से देखना यहाँ पे, कितने अमाउंट से करना है, 300, क्योंकि डिफरेंस कितने का था, 300। घर पे आपने कम कर रखा था बैंक को 20,000 से, एक्चुअल में कितने पैसे कटे बैंक से, 19,700। तो सिर्फ 300 से रिकॉर्ड करोगे, बहुत अच्छा पॉइंट है, आई वुड से ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। टोटल 17-18 क्वेश्चन है, टोटल 17-18 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 6-7-25 क्वेश्चन है क्या, अच्छा 25 क्वेश्चन में से मैं आपको मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, CFS would be done, जिसमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला रिबेट का मतलब बेटा डिस्काउंट ना, क्वेश्चन वो पेपर में आएंगे। हाँ जी, यस यस मैडम, यस स्वास्थ्य खुश हो गई, यस सर मैं 8 क्वेश्चन रट के चली जाऊंगी। हाँ स्वास्थ्य बैठी है ना, गुरुग्राम बैठी है, ऑनलाइन बैठी है, ये नहीं रिबेट बेटा डिस्काउंट फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आपको मिलते हैं तो रिबेट मिला। अब यहाँ पे रिबेट का रीजन नहीं पता, रिबेट का मतलब क्या है कि हमको कम पैसे देने पड़े, कितने कम पैसे देने पड़े, 300 रुपए। हाँ अरे रिबेट का मतलब होता है, रिबेट का मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में अंदर डिफेक्ट हो, रिबेट किसी भी रीजन से आपको मिल सकता है, ठीक है। आप जैसे मान लो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए, तो आपको बहुत जगह शोरूम के ऊपर क्या मिलते हैं ना, रिबेट मिलती है, 12th में अच्छे मार्क्स लाए, स्टूडेंट पास मिलता है, रिबेट्स मिलती है, वो क्या है ना, स्टूडेंट रिबेट्स। बेटा कैमरा ऑन नहीं करेगी सुहास ने, कह रही है मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी। हाँ इससे पूछो कुछ, सुहास ने के सब कुछ ऊपर से जा रहा है अभी। चलो जी पॉइंट, अ चेक ऑफ 5,000, देखते रहना हर एक पॉइंट बहुत अच्छा है, अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, ध्यान से देखना क्या करा है, रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक का क्रेडिट मतलब कैशबुक का डेबिट, मतलब हमने गलती से क्या बोल दिया कि हमारे बैंक में कितने पैसे आ गए, 5,000, गलती से बैंक ने हमारे उसके अंदर पासबुक के अंदर क्या शो कर दिया कि 5,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, किस दिन, 29th of March, और वो दोबारा से बैंक ने गलती थी ना तो पैसे काट लिए, किस दिन, 2nd of April को। भाई बैंक से गलती क्या हो गई कि बैंक ने किसी और के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए डालने थे, हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए 5,000 रुपए, और बैंक ने फिर पैसे काट लिए। हाँ जब तक यूज कर लिए तो देने पड़ेंगे ना बेटा, किसमें और क्या, नेगेटिव हो जाएगा बैलेंस और क्या, आपके थोड़ी ना थे वो, गलती हो गई थी बैंक की। ये तो आप छोटी सी बात कर रहे हो, एक बार गलती हुई थी पीछे पिछले साल गलती हुई थी, एक बंदे के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाल दिए थे, अब वो बंदा था कुछ रिक्शा विक्शा चलाने वाला, तो वो बैलेंस चेक कर रहा था, उसके ATM में बैलेंस आ रहा था 2 करोड़ रुपए, वो कह रहा है ये क्या हो गया, जो अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली डेबिटेड इन द पासबुक, तो बेटा आपका पासबुक भर चुका है, कैशबुक तो नहीं भरी ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 5,000 रुपीज को, तो 5,000 आपके क्या हो गए, बोलो किसमें गए, प्लस में गए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ क्या हो गया, यस हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो बड़े होते जा रहे हो, अभी 3-4 महीने बाद फिर तुम 12th class में बैठोगे और बड़े हो जाओगे, और उसमें तो क्वेश्चन जितने तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो, मतलब जो तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है उतने में तो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो 20-22 illustrations तक तो उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं, फिर मेन क्वेश्चन बाद में स्टार्ट होते हैं,
तुम्हारा 20-25 इलस्ट्रेशंस के अंदर तो चैप्टर खत्म हो रहा है ना, वहां पे 125-25 इलस्ट्रेशंस होती है, तो तुम्हारे चार पांच चैप्टर्स मिला दो, 12th का एक चैप्टर मिला दो, बराबर हो जाते हैं तीन बुक्स। सर आप डरा रहे हो ना ताकि हम 12th पास ना कर पाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ताकि तुम अभी अपने होश संभाल लो। हाँ, मैं इसलिए तुम्हें बोलता रहता हूँ कि अभी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आगे चल के क्या करोगे, तो अभी मेहनत कर लो। चलो चलो, तुम लोग को दिक्कत क्यों होती है ना, क्योंकि तुम इतनी बातें करते हो। अगर ध्यान से सारी चीजें सुनते रहोगे, दिमाग में तुम्हारे 10 चीजें चल रही है, क्लास में भी सिर्फ क्या चलनी चाहिए ना, अकाउंट्स, इतनी से भी नहीं करनी। बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड 10,000 इन द अकाउंट ऑन रॉन्गली डेबिटेड। बैंक ने क्या कर दिया है, गलती से डेबिट कर दिया 10,000 रुपए आपके अकाउंट में 31st of March को। तो डाल दिए कि काट दिए पैसे, काट दिए, गलती से बैंक ने आपके पैसे काट दिए, कितने, 10,000 रुपए। एंड उसको दोबारा से डाल दिया आपके बैंक में किस दिन, 10th of April। तो आपका पासबुक कम है, कैश बुक किसके पास जाएगी, पासबुक के पास, तो आपको भी उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दोगे आप कितने, 10th। हाँ बेटा, पासबुक वाला हाथ है ना, बैंक ने पैसे काट दिए तो पासबुक का बैंक कॉलम कम है, अब कैश बुक किसके पास जाएगी, पासबुक के पास, तो पासबुक नीचे है ना, तो माइनस। हमें किस दिन की बनानी है ना, 31st of March ना, अब वो ऊपर जाएगा 10th of April। हाँ, डेस्टिनी के पास, डेस्टिनेशन, डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनेशन। चलो, अ चेक ऑफ 400 drawn on the savings account has been shown as drawn on the current account in the cash book. Oh, a check of 400 drawn on the savings account has been shown as drawn on the current account in the cash book. क्या हो गया, काट लिया किसी ने? देखो, आपके दो बैंक अकाउंट हैं, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक करंट बैंक अकाउंट। ये चीज मैंने आपको BST के अंदर समझाई थी, क्या होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्या होता है करंट बैंक अकाउंट। आपने चेक किसका काटा था, सेविंग्स अकाउंट का, लेकिन हैज वो किस में कट गया, करंट अकाउंट के अंदर कट गया। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, चेक, चेक जो आपने चेक जो काटा, वो एक्चुअल में आप क्या बोलना चाहते थे कि कहाँ से पैसे काट लेना, सेविंग्स अकाउंट से काट लेना, लेकिन बैंक ने कहाँ से पैसे काटे, करंट बैंक अकाउंट से पैसे काटे। और आपके पास कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, 79,140। तो यहां से आपने स्टार्ट करा था 79,140, है ना। अब क्या करोगे आप इसका, 400 रुपए का, पासबुक है, कैश बुक है, अ चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन द सेविंग्स बैंक। तो हम अपने कैश बुक के अंदर क्या कर चुके हैं, पैसे को कम कर चुके हैं, लेकिन जिस बैंक अकाउंट से कटने चाहिए थे, सेविंग्स बैंक अकाउंट से कटने चाहिए थे, वहां से ना कट के किससे कट गए ना, करंट अकाउंट से। तो बैंक तो अभी तक हमारा कम नहीं हुआ ना, सेविंग्स वाला, बैंक वहीं पे है, कैश बुक का कॉलम कम है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 400 रुपीज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो, 79,140 आपका स्टार्टिंग बैलेंस था, इसके अंदर आपने इन सारी चीजों को ऐड करा, 11,900 को कितना आ गया, 91,040 रुपीज। इन सारी चीजों को लेस कर दिया, बैलेंस कितना है, 63,000। देखो, पहले क्वेश्चंस, पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन में तो आपको ये नीचे आंसर गिवन होता था, इससे आपको मैच करना होता था। अब आंसर आपको नहीं गिवन, जो भी आंसर आएगा आप बस लिख के आओगे, आपको नहीं पता चलेगा सही है कि गलत, ऐसा ही होगा। अभी तो चैप्टर से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ इलस्ट्रेशन ही आप देख लो, कितनी बढ़िया इलस्ट्रेशन थी। तो आगे की जो इलस्ट्रेशन होंगी 12-13 इलस्ट्रेशन के बाद, इजी लग रहा था ना, अब तो नहीं है ना, थर्ड क्वेश्चन तक इजी था ना, फोर्थ तक तो नहीं लगा। चलो, अब एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, आगे चल रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है, तो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगा, घर पे जाके दोबारा से रिकॉर्डिंग को आपको माइनस होगा, तो आपको घर पे जाके क्या देखनी है ना, रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी है, उसके बाद क्वेश्चंस को सेल्फ करना है आपको। हाँ जी, हेलो, चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज योर होमवर्क, इट इज अ सिंपल वन। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज योर होमवर्क, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 इज योर होमवर्क। छोटी छोटी है, नीचे ही है ना, नीचे है ना सॉल्यूशन, एक एक वन लाइनर्स है ना। चलो, हेलो, केस नंबर 2।
सिर्फ वन लाइनर है, उसमें एड और लेस आपको बताना है बस। चलो अब ध्यान से देखना, नया केस आ रहा है बेटा, नवा नवा केस आ रहा है, ध्यान से देखना। When starting point is credit favorable balance as per the bank statement or the passbook. अब देखो start आपको कहाँ से करना है, passbook, और passbook को आपको किसके पास किससे match करवाना है, cashbook। अभी तक आप क्या कर रहे थे, cashbook को match करवा रहे थे passbook के साथ, अब passbook को match करवाओगे cashbook के साथ। अब cashbook अकड़ में रहेगा, right वाला हाथ है इसको नहीं हिलाना, left वाले हाथ को आपको ऊपर नीचे करना है, समझे मेरी बात। हाँ, पासबुक वाले हाथ को अब आप ऊपर नीचे करोगे, कैशबुक वाला, पासबुक वाला हाथ लेफ्ट वाला है, तो यही तो कर रहा हूँ मैं बेटा, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है ना, ऐसे ऑपोजिट में भी तो बैठे हैं हम, है एक लाइन का ही तो है। हाँ क्या है, हाँ कोई बात नहीं, इसको लिख करो ना करो ऐसी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आने नहीं वाला, इसलिए होमवर्क में डाला है, कोई दिक्कत नहीं। When the starting point is credit favorable balance as per passbook, passbook का आपके balance given है, और आपको passbook का balance किसके balance से tally करवाना है, cashbook के balance के साथ आपको tally करवाना है। देखो फटाफट से question को start करते हैं। Illustration number 8. On 31st March 2022, bank statement of Dinesh showed a credit balance of, देखो bank statement मतलब passbook, passbook credit balance दिखा रही थी कितने का, 15650 का, whereas cashbook showed a debit balance of 15200 का। देखो जो बैंक का क्रेडिट है वो हमारा डेबिट है, बात तो सही है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे दिक्कत किसके अंदर है ना, वैल्यूज के अंदर दिक्कत किसमें है, वैल्यूज के अंदर, 15650 और 15200। द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस वर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत सारे, तो रीजंस क्या है डिफरेंसेस के, ध्यान से देखो मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे नहीं बोल रखा होगा। अब क्या है, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, देखो आपका स्टेटमेंट कहाँ से आएगी, बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, और एंड में किससे मैच करवाने हैं आपको, पासबुक के साथ। अभी तो केस लिखा हुआ है ना, पर केस नंबर 2, इतना ज्यादा जो है ना, अभी पहले एड लेस तो सीख लो, वो तक तो समझ में नहीं आ रहा पहले। चेक्स इशूड टू रोशन, अभी मैं बोल दिया ना कि अभी आपको क्या करना है, पासबुक को किसके पास लेकर जाना है, कैशबुक, अभी बोला ना मैंने बस, तो फिर अभी समझ में आ रहा है। चेक इशू टू रोशन फॉर 6000, अभी बुक आपको केसेस दे रही है उस हिसाब से करवा रही है, बाद में क्वेश्चन बताएंगे ना, तुम वेट नहीं करते आगे का, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें आता है, आता तुम्हें कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। अभी वो कहते रहो प्लस को सर माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी मैंने समझाया, अभी मैंने समझाया। चेक इशूड फॉर रोशन, आपने चेक दिए हैं कि आए हैं, दिए किसको दिए, रोशन को 6000 का, डैनियल को कितने का चेक दिया, 3840, and was not presented for payment. अभी वाला क्वेश्चन तो कर लेना अच्छे से, ठीक है, मैं सारे सबके नाम काट के डैनियल डैनियल कर देता हूँ। चेक्स इशूड टू रोशन फॉर 6000, डैनियल को दिया, बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ध्यान से देखना, राइट वाला कैशबुक वाला हाथ है, पासबुक वाला हाथ है, अब कौन सा हाथ मूवमेंट करेगा, पासबुक वाला मूवमेंट करेगा। अब आपने चेक इशू कर दिए ना, चेक इशू कर दिए मतलब चेक काट दिया, तो आपने घर पे किसको अंदर रिकॉर्ड कर दिया होगा, कैशबुक के अंदर, तो कैशबुक नीचे होगी, कैशबुक नीचे होगी, और ये पासबुक वाला किसके पास जाएगा, कैशबुक के पास जाएगा, तो इस वाले हाथ को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 6000 और 3840 आपको किसमें डालने पड़ेंगे, माइनस के अंदर 6000 और 3840 यू हैव टू माइनस। पॉइंट नंबर 2, बैंक